नमस्कार दोस्तों, आइए आपको हम दिखाते हैं अपने जुगुनी का फील्ड। जुगुनी को हम लोग छप्पन कद्दू भी कहते हैं, लंबा वाला कद्दू है। ये अभी हमारा 25 दिन का पेड़ हुआ है, तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। इसमें डिजीज़ भी पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए लीफ माइनर। अभी हमने कुछ पत्तियों को कट भी करके रखा हुआ है। यहाँ पर लीफ माइनर होता है, पत्तियों में सफ़ेद कलर का छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं और वो पेड़ के सभी पत्तियों में इन्फेक्शन पहुँच जाता है, एक पत्ती से दूसरी पत्ती में, फिर पूरे पेड़ में फैल जाता है। ये जैसे हमारा कद्दू का, लौकी का पेड़ हुआ तो उनकी पत्तियों पे दिखाई देता है। आइए हम आपको दिखाते हैं, लीफ माइनर कहते हैं इसको, सफ़ेद सफ़ेद कलर का ये हो जाता है। जैसे देखिए ये पत्ती नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें लीफ माइनर का अटैक हुआ है। तो इसको रोकने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको कैंची के माध्यम से यहाँ से थोड़ा पेड़ के ऊपर से ही इसको कट करके यहाँ से निकाल देंगे, तो इससे जो है ये डिजीज़ रुक जाती है, पेड़ के और भाग में नहीं पहुंच पाती है, तो इससे हमारा पेड़ बच जाता है। तो इसको रोकने के लिए एक आसान तरीका ये है कि जिस प्लांट के जिस पत्ती में या जिस भाग में हुआ है उसको कट करके निकाल दिया जाए। जैसे कि ये देखिए ये हुआ है, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट करके यहाँ से अलग कर देंगे। अब इस पत्ती में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में इस पत्ती का कोई मतलब नहीं होता है। जिन पत्तियों में लीफ माइनर का अटैक होता है वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाती हैं, तो इसको कट करके निकाल देना ही ठीक है पौधों के लिए।